तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, 10 ऐसे फैक्ट्स जो आपको नहीं पता होंगे। तो आप देख रहे हैं मेरा चैनल भारत ऑफ क्यूरियोसिटी। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक मेरे साथ आप बने रहिए। सबसे पहला फैक्ट तो ये है दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, ये जो पुरानी इजिप्शियन सिविलाइजेशन हुआ करती थी ना, आपको पता ना इजिप्ट के पिरामिड होते थे, उससे बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो दूसरा फैक्ट ये है दोस्तों, जो इंडस वैली के डेंटिस्ट हुआ करते थे वो दुनिया में सबसे पुराने हुआ करते थे। मतलब सबसे पुराना जो अभी तक का दांतों का स्पेसिमेन मिले ना, ड्रिलिंग, दांतों की ड्रिलिंग का, इंडस वैली में मिला दोस्तों 2001 में। और अगला फैक्ट दोस्तों ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कि इंडस वैली में जो टॉयलेट सीट्स हुआ करती थी ना, वो पत्थरों से बनाई जाती थी और आज की मॉडर्न सीट्स के मुकाबले काफ़ी बढ़िया होती थी। और अगला फैक्ट ये दोस्तों कि इंडस वैली की जो पॉपुलेशन हुआ करती थी वो तकरीबन 50 लाख की हुआ करती थी। मतलब दुनिया की 10% आबादी थी ना दोस्तों, वो इंडस वैली में ही रहा करती थी। और अगला फैक्ट ये है दोस्तों इंडस वैली के बारे में कि जो इंडस वैली का शहर मोहनजोदड़ो हुआ करता था ना, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हुआ करती थी, तो और वहाँ पे फ्लड गेट्स बनाए जाते थे ताकि फ्लडिंग ज़्यादा ना रहे। और अगला फैक्ट ये दोस्तों इंडस वैली के बारे में कि इंडस वैली में मेजरमेंट करने की टेक्निक उनके पास हुआ करती थी। मतलब जैसे रूलर्स और वेट्स, ऐसी डिवाइसेस उनके पास पाई गई हैं इंडस वैली वाले लोगों के पास। मतलब वो साइंटिफिकली काफ़ी एडवांस्ड हुआ करते थे। और अगला फैक्ट ये दोस्तों इंडस वैली के बारे में कि इंडस वैली में कोई साधु संत या राजे नहीं हुआ करते थे, क्योंकि दोस्तों जितनी भी इंडस वैली की खोज हुई ना, वहाँ पर कभी भी मंदिर नहीं मिले हैं, ना मंदिर मिले हैं, ना ऐसी धार्मिक जगह, और ना ही वहाँ पर कोई पैलेस मिले हैं, जैसे महल होते हैं वैसे मिले हैं। सिद्ध होता है कि वहाँ पे कभी साधु संत या वहाँ पे कभी धार्मिक लोग या वहाँ पे कभी राजे नहीं रहा करते थे। और अगला फैक्ट दोस्तों ये है 9 नंबर का फैक्ट कि इंडस वैली में एक नदी बहा करती थी जिसका नाम था गद्दर नदी। और ये नदी दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी नदी हुआ करती थी इंडस वैली में, मतलब इंडस नदी के अलावा। तो ये नदी सबसे दोस्तों ये बेसिकली ड्राई हो गई थी 2000 BC में, मतलब तकरीबन आज से 4000 साल पहले ये जो नदी थी ये सूख गई थी। और जो लास्ट फैक्ट है दोस्तों इंडस वैली के बारे में कि यहाँ पे एक डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदड़ो का स्टैचू मिला था, जिसको कि डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदड़ो कहते हैं। ये काफ़ी मशहूर स्टैचू है दोस्तों, जो कि ब्रॉन्ज का या तांबे का बना हुआ है। तो दोस्तों ये तो आज बात होगी इंडस वैली के बारे में 10 ऐसे फैक्ट्स। तो मेरी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए दोस्तों मेरे इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको भी लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए।